दोस्तों आज जंगल इनसाइड के इस लाजवाब वीडियो में देखिए आलाबाई और कंगाल में कौन है सबसे दमदार। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत से डॉगीज देखे होंगे जो एक से एक खूंखार हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे दो डॉगीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो डॉगीज की प्रजाति में एक कहर हैं। आलाबाई और कंगाल दोनों ही बड़े बेरहम और खतरनाक डॉग्स हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सबसे ताकतवर है और कौन कमजोर, और इन डॉग्स में कौन सी खूबियां पाई जाती हैं, अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। आलाबाई और कंगाल दो ऐसे नाम जिनका दबदबा पूरी दुनिया में है। कुछ लोग इन्हें देखकर खौफ खाते हैं तो वहीं कुछ लोग इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड बनाकर रखते हैं और इन्हें अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। ये दोनों ही डॉग्स दूसरे डॉग्स के मुकाबले में काफी खतरनाक होते हैं और साथ ही बड़े भी होते हैं, लेकिन ये दोनों डॉग्स अलग अलग देशों में राज करना पसंद करते हैं। जो आलाबाई डॉग्स है वो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है और जो कंगाल डॉग है वो टर्की में अपना हुक्म चलाता है। भले ही दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हों, लेकिन इन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। इन दोनों डॉग के हाव भाव और अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने का तरीका एक जैसा है, इसलिए इन दोनों को असली दुश्मन माना जाता है। ये जो सेंट्रल एशियाई हैं, वो बहुत ही हट्टा कट्टा और काफी शांत बिहेवियर का है, इसलिए ये दूसरे डॉग के मुकाबले ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसे घर में पालने से कोई खतरा नहीं होता। ये अच्छे से घर के साथ साथ फैमिली मेंबर का भी ध्यान रखता है और फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। ये डॉग काफी बहादुर होते हैं, ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की हिम्मत भी रखते हैं। ये डॉग बड़े ही बेखौफ होते हैं, ये किसी भी खतरे से नहीं डरते और कभी भी घबराकर या डरकर पीछे नहीं हटते। इसकी खासियत की वजह से इन डॉग्स को दूसरे डॉग्स से ज्यादा अच्छा और रिस्पेक्टेड माना जाता है। वहीं अगर बात करें कंगाल की तो ये भी काफी बहादुर और दमदार होते हैं। इन्हें ज्यादातर एक अच्छे गार्ड डॉग के रूप में देखा जाता है। ये खास तौर से टर्की में ही पाए जाते हैं। कंगाल की प्रजाति डॉग की प्रजाति में सबसे पुरानी है। ये काफी समय से टर्की के पहाड़ों पर ही रहते हैं। ये डॉग देखने में भीड़ की तरह लगते हैं क्योंकि इनकी स्किन एकदम रुएदार होती है। शुरुआत से ही इनके खून में गार्ड डॉग बनने की खासियत है, इसलिए इन्हें गार्ड के तौर पर घरों में ज्यादा रखा जाता है, जिससे ये अच्छे से घरों का ध्यान रख सकें। आगे इन दोनों डॉग्स की खासियत जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहले बात करते हैं इन दोनों की साइज की। तो आलाबाई डॉग का वजन लगभग 110 पाउंड तक होता है, यानी ये डॉग 40 से 50 किलोग्राम के होते हैं। वहीं अगर बात करें मेल आलाबाई की तो ये 175 पाउंड यानी 80 किलोग्राम तक भी बढ़ सकते हैं। आलाबाई की लंबाई पैरों से कंधों तक करीब करीब 24 से 28 इंच होती है, वहीं सेंटीमीटर में 60 से 71 सेंटीमीटर तक आसानी से पहुंच जाती है। मेल आलाबाई फीमेल के मुकाबले में काफी बड़े होते हैं, चाहे फिर लंबाई में हो या फिर वजन में, ये हर बार में फीमेल से आगे रहते हैं। इनके कान थोड़े गोल और लंबे शेप में होते हैं जो हर वक्त इनके सर पर पड़े रहते हैं। साथ ही इनकी पूंछ भी बहुत छोटी रहती है। ये डॉग काफी खतरनाक साबित होते हैं। ये डॉग्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके शरीर के बाल भी एकदम सीधे होते हैं। इन डॉग्स के शरीर पर हर कलर के बाल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलर जो इन डॉग्स के बालों में कभी नहीं देखे जाते, जैसे ब्लू, ब्राउन। आंखों और इनका मुंह गोल और लंबे आकार का होता है। इन डॉग्स को खासकर बहादुरी दमदार शरीर की वजह से ही जाना जाता है। वही कंगाल डॉग भी एक बड़ी प्रजाति में से एक है। जो मेल डॉग्स होते हैं उनकी हाइट करीब करीब 28 से 30 इंच यानी कि 72 से 78 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। वहीं अगर बात करें इनके वजन की तो एक मेल में इनका वजन 150 से 145 LBS वहीं किलोग्राम में 48 से 65 किलोग्राम तक होता है। कंगाल भी बहादुर, ताकतवर और हेल्दी होते हैं। इन डॉग्स का कलर बहुत ही अलग होता है। इन डॉग्स की प्रजाति में लाइट ब्राउन और लाइट ग्रे कलर के ही डॉग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी ये कलर हल्के और गहरे भी देखने को मिलते हैं। इन डॉग्स में सिर्फ दो ही कलर के कॉम्बिनेशंस आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। कंगाल डॉग को टर्की में एक अलग ही नाम से जाना जाता है। अगर इनके टर्किश नाम की बात करें तो इनका नाम करबास है,
जो खास इनके मुंह और कान पर काले स्पॉट्स के लिए रखा गया है। इन कंगाल डॉग्स की पूंछ भी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है और साथ ही इनकी आंखें भी बादाम के आकार के जैसी होती है और कलर भी बहुत गहरा होता है। सेंट्रल एशियाई शेफर्ड की प्रजाति इस दुनिया में काफी सालों से राज कर रही है। कहा जाता है कि इस प्रजाति के जो पूर्वज थे वो 5000 साल पहले इस धरती पर मौजूद थे। आज भी इन डॉग्स की प्रजाति देखने को मिलती है। इस हिसाब से इनका इतिहास काफी सालों पुराना है। इन डॉग्स की हड्डियां भी तिब्बतियन मस्टिफ डॉग की तरह ही मजबूत और ताकतवर होती है। साथ ही ये डॉग काफी हेल्दी स्ट्रॉन्ग, कुल मिलाकर डॉग की ये नस्ल काफी जबरदस्त होती है। ये जो सेंट्रल एशियाई शेफर्ड होते हैं ये काम वाले डॉग होते हैं जिन्हें काम के लिए रखा जाता है। ये एक हार्डिंग डॉग हैं, गार्ड डॉग हैं और एक अच्छे वॉचमैन के साथ ही एक अच्छे पालतू जानवर भी माने जाते हैं। और भी ऐसे इन्हें बहुत से खास कामों के लिए रखा जाता है। ये डॉग फैमिली के साथ एक मेंबर बनकर रहते हैं और काफी वफादार भी होते हैं, इसलिए इन्हें हर कोई घर में पालना और फैमिली मेंबर बनाना पसंद करता है। जब तक ये डॉग घर के अंदर रहते हैं तब तक ये पालतू और शांत डॉग बनकर रहते हैं, लेकिन जब ये घर से बाहर कदम रखते हैं तो ये एक खूंखार शिकारी बन जाते हैं जो किसी भी जानवर के हमले को नाकामयाब कर देते हैं और अपने फैमिली मेंबर को पूरी तरह से सेफ कर देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर दोनों डॉग्स का कभी आमना सामना होगा तो इनमें से कौन किसको मौत के हवाले करेगा और कौन जीत हासिल करेगा। वैसे तो दोनों ही डॉग मुकाबला करने में एक दूसरे से ताकतवर हैं और दोनों ही नस्लें काफी पुरानी और दमदार रही हैं। वहीं अलाबाई डॉग काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वैसे कंगाल डॉग सेंट्रल एशिया शेफर्ड से लंबाई में थोड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन अगर दोनों के वजन की बात करें तो अलाबाई डॉग कंगाल डॉग से ज्यादा भारी भरकम होता है। कंगाल का गुस्सा थोड़ा घातक होता है और ये डॉग गुस्सा होने पर भूखना शुरू कर देता है, लेकिन अलाबाई डॉग जब तक किसी को धमकाता नहीं है तब तक वो किसी पर भी नहीं भौंकता और ना ही वार करता है। ये अलाबाई काफी शांत और समझदार होता है। वहीं कंगाल कंगाल से बहुत ज्यादा जिद्दी और खूंखार होता है, लेकिन कंगाल डॉग को देखते हुए इन्हें अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है जिससे ये एक अच्छे डॉग बन जाएं। दोनों की बाइट फोर्स भी काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन कंगाल डॉग इस मामले में अलाबाई से थोड़े ताकतवर होते हैं। कंगाल डॉग का बाइट फोर्स 743 PSI होता है, वहीं अलाबाई का बाइट फोर्स 650 PSI होता है। कंगाल का बाइट फोर्स अलाबाई से ज्यादा होता है, इसलिए मुमकिन है कि मुकाबले में कंगाल अलाबाई को हार का मजा चखा दे। वहीं वजन और गुस्से को देखते हुए अलाबाई कंगाल को हरा सकता है, क्योंकि दोनों के पास ही अपनी अलग अलग खासियत है, इसलिए इन दोनों की लड़ाई में ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा डॉग ताकतवर और खूंखार लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।